भोपाल और इंदौर में मंत्रियों ने हाथों में झाड़ू थामकर मंदिरों में चलाया सफाई अभियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम महोत्सव के तहत देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इंदौर और भोपाल में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। भोपाल और इंदौर में मंत्रियों ने हाथों में झाड़ू थामकर मंदिरों में चलाया सफाई अभियान चलाया। अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंदौर में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हाथों में झाड़ू थाम लिया और मंदिरों में सफाई अभियान चलाया। दरअसल अयोध्या में श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर इंदौर में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मैदौला ने नंदानगर स्थित साईं मंदिर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश में राम महोत्सव चल रहा है। भगवान श्री राम जल्द ही अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। सारे मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। 22 जनवरी को 25 करोड़ दिए इंदौर के मंदिरों में लगाए जाएंगे। भोपाल डॉग बाइट केस में कलेक्टर सख्त एफआईआर के निर्देश। भोपाल में डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सख्त हो गए हैं। इसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्होंने घटना को लेकर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए मासूम के शव को कब्र से बाहर निकाल लिया गया है। 6 महीने के मासूम की मौत के बाद दफनाने के बाद अब उसके शव को कब्र से बाहर निकाल लिया गया है। शव को हमीदिया अस्पताल भेजा गया है। साथ ही एफआईआर कराने के निर्देश जांच दिए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी पर हादसा, श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से गिरी। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के पास शिप्रा नदी के पास एक हादसा हो गया, जहां नदी के ऊपर बनी पुलिया से श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को जानकारी दे दी गई है, जहां उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। डिग्गी के गढ़ पहुंचे जीतू पटवारी, राम मंदिर पर भी दिया बयान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश के कई जिलों में दौरे कर रहे हैं और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में पीसीसी चीफ गुना दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जीतू ने कहा कि कांग्रेस का राम मंदिर पर रुख स्पष्ट है। जब आस्था की बात थी तो राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कांग्रेस ने संविधान को सबसे ऊपर माना। कोर्ट ने जब राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया तो सबने इसका सम्मान किया। जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तो 1 लाख कांग्रेसी अयोध्या जाएंगे। हम बीजेपी के हिसाब से अयोध्या नहीं जाएंगे, बल्कि अपने हिसाब से राम मंदिर के दर्शन करेंगे। मुरैना में फर्जी रजिस्ट्रार ऑफिस का भंडाफोड़, 10 साल के बाद हुआ खुलासा। मुरैना में एक फर्जी रजिस्ट्रार ऑफिस का भंडाफोड़ हुआ है, जो कि पिछले 10 साल से चल रहा था। 2017 में हुई इसकी शुरुआत असल रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई चोरी से हुई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस से चोरी करके रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर प्रॉपर्टी के सौदे कर फर्जी रजिस्ट्री की जाती थी। इस फर्जी ऑफिस का भंडाफोड़ तो तब हुआ जब शहर के ओम प्रकाश वैश्य, जो कि हनुमान चौराहा के निवासी है, जिनकी जमीन को आरोपियों ने उषा परमार, जो वंकटी रोड की निवासी है, को 5,80,000 रुपए में बेच दिया था और इसका नामांतरण भी करा दिया था। इसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार से की। बता दें कि 11 जनवरी को पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र भदौरिया को गिरफ्तार किया है।
अदालत ने शुक्रवार के दिन आरोपी को 16 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर दिया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड लक्ष्मी कुलश्रेष्ठ उर्फ संजू अभी फरार है। संजू पर यह भी आरोप है कि 2017 में रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने ही चोरी करके रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर प्रॉपर्टी के सौदे कर रजिस्ट्री किया करते थे।